नमस्कार दोस्तों, जब भी घर के अंदर दो बच्चे होते हैं तो लड़ाई झगड़ा होना आम बात है। इसीलिए आपको सतर्क रहने की और समझदारी से काम लेने की जरूरत है। जब भी आपके बच्चे झगड़े तो आपको क्या क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो से। पॉइंट नंबर वन, जब भी झगड़ा घर के अंदर हो तो उसे आपसी समझ से सुलझाने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चा अपने भाई बहनों से ही लड़ रहा है तो उसे इस बात का अंदेशा दीजिए और उसे समझाइए कि वो अपने बड़े भाई बहनों के आदर करे। अगर वो उसे कुछ कह भी देते हैं तो समझदारी से ही और उसकी भलाई के लिए ही कहते हैं। इसीलिए अगर घर के अंदर ही बच्चा अपने बड़े भाई बहनों से झगड़ा करता है तो आपको बड़ी ही समझदारी से उस पर ध्यान देने की और उस झगड़े को सुलझाने की जरूरत है। पॉइंट नंबर टू, कई बार बच्चे घर के अंदर नहीं झगड़ा करते हैं और वो बाहर अपने दोस्तों से लड़ झगड़ कर घर के अंदर वापस आते हैं। इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा बाहर किसी के साथ मार पिटाई करके आया है तो एकदम से खुश ना हो, उसे शाबाशी ना दें। और अगर बाहर से कोई कंप्लेंट करने आया है तो उसे कंप्लेंट करने के लिए दौड़े भी नहीं। दोनों बच्चों की बात एक साथ सुने और अपने बच्चे को ही समझाएं, क्योंकि ऐसा करने से आगे चीज की नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि वैसे भी बच्चे थोड़े दिनों बाद आपस में एक ही हो जाते हैं। इसीलिए लड़ाई झगड़े का कोई भी फायदा नहीं है। पॉइंट नंबर थ्री, बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बच्चा अगर आए दिन स्कूल में, घर में अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़ा करता है तो आपको उसे समझाने की और धैर्य रखने की शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि अगर वो दूसरों से अच्छे तरीके से बात करेगा तो लोग भी उसे अच्छे तरीके से ही पेश आएंगे। जैसा व्यवहार हम खुद के लिए एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों को भी देना पड़ता है। इसीलिए अपने बच्चे को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप दूसरों को नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं तो केवल अपनी ही औलाद को। सो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे झगड़ा करते हैं या फिर झगड़ालू हैं तो आप उन्हें इन तरीकों से समझा सकते हैं। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।